नमस्कार। हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। हिसार में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने बीजेपी नेता रणजीत चौटाला द्वारा आयोजित कार्यक्रम में वो पहुंचे। वहां पर इस दौरान उन्होंने सांसद कुलदीप बिश्नोई सहित तमाम नेतागण भी उनके साथ मौजूद रहे। इस मौके पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश विदेशों में नाम जाना जाता है। पीएम मोदी ने देश में काफी विकास कार्य किए हैं, वहीं भारत को हर प्रगति पर पहुंचाने का काम किया है। कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि आदमपुर और नलवा में हमें ज्यादा से ज्यादा वोट बीजेपी के पक्ष में डालने हैं और रणजीत चौटाला को जिताना है। लोकसभा का चुनाव अब बीच में आ गया, हिसार का आधे में पहुंच गए हम लोग। आदमपुर के अंदर रैली हमने करी, फिर भव्य भी गांव गांव के टूर किए, रणधीर को सब गांव में, नलवा में हमने भेजा हुआ है, हमारे सारे साथी लगे हैं। तो असमंजस क्यों है? आज भी रावतखेड़ा गांव में मैं गया, बड़ा जबरदस्त कार्यक्रम था, रणधीर जी के साथ गया था, गंगवा साहब भी वहां थे, वहां भी लोग मेरे कान में फूंक मारे के करनो है। मैंने कह रहे थे कुछ मैंने के करना है, खुली किताब है 100% चौधरी रणजीत चौटाला जी को, जो हमारा परिवार का व्यक्ति है, चौधरी रणजीत चौटाला के आगे कमल का बटन दबाएगा, ये मेरी प्रार्थना खुले तौर पे आपको आज कहता हूं। इसके भी कारण है। पहला कारण, हमने माने नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। ये भाईचारा इनका जो कुलदीप से देखा, ऐसा शायद भाई कोई सुदामा और कृष्ण का तो था, ऐसी जोड़ी मैं तो नहीं देखी। गजब है, गजब है। कभी खुला सफर का टाइम मिले तो तमिलनाडु तक जाना, तो इनकी बात अगर गाड़ी में सुने तो रणजीत जी की मजा भी है पूरा का हो। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। अब मैं आप सबको ये कहूंगा, कमल के बटन पे बटन दबा के यहां से जबरदस्त लीड दें, यहां से चुनाव में कमल का वोट खिला के प्रधानमंत्री को देश का प्रधानमंत्री बनाएं, देश का उनका दुनिया में कद बढ़े। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रत्याशी बंतू कटारिया का चुनाव प्रचार करने के लिए खुद अंबाला शहर आ रहे हैं। ये पहला अवसर है जब प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी अंबाला आएंगे। ये जानकारी बीजेपी के जिलाध्यक्ष मनदीप राणा ने दी है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 मई अंबाला शहर के पुलिस लाइन मैदान में विशाल रैली को संबोधित करेंगे, जिसमें बीजेपी के कई दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 18 तारीख को अंबाला पुलिस लाइन ग्राउंड के अंदर आ रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी भी उस कार्यक्रम में रहेंगे। हमारे जो अंबाला लोकसभा के प्रत्याशी श्रीमती बंतू कटारिया जी हैं, उनके चुनाव प्रचार के लिए अंबाला के अंदर पहुंच रहे हैं। एक बहुत बड़ी जो जनसभा अंबाला लोकसभा के अंदर होने जा रही है, उसमें अंबाला का एक एक कार्यकर्ता आम जन की पूरी भागीदारी रहने वाली है। एक बहुत भव्य जो कार्यक्रम है 18 तारीख को होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, लेकिन वो प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले जब वो हरियाणा के प्रभारी थे उसके नाते उनका कई बार अंबाला के अंदर आना हुआ है। अंबाला शहर विधानसभा में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो जन जन की आवाज और हर व्यक्ति की मन की आस और जिनको लगता है कि मोदी है तो मुमकिन है, हर किसी के मन में यही आस है कि मैं एक बार मोदी से जरूर मिलूं, उनको देखूं। आज अंबाला वासियों की ये सौगात बहुत देर के बाद पूरी होने जा रही है। वो अंबाला में पहली बार प्रधानमंत्री बनने के पश्चात अंबाला शहर विधानसभा में पहुंच रहे हैं। और चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर का बयान सामने आया है। लोकसभा चुनाव को लेकर के बोले डीजीपी, स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण होगा चुनाव। चुनाव संपन्न करवाने को लेकर के पुलिस तैयार है पूरी तरीके से, भारी संख्या में तैनात किया गया है पुलिस बल। तो ये जानकारी सामने आई है और कहा गया है कि पुलिसकर्मी और पैरामिलिट्री कंपनियां रहेंगी तैनात। तो लगातार चुनाव को लेकर के तैयारियां जो है वो लगभग पूरी हो चुकी है। हरियाणा में 25 मई को मतदान होने हैं और इस मामले में हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत ने
जानकारी दी है। लोकसभा चुनाव को लेकर के उन्होंने कहा कि तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर के तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है, पुलिस बल तैयार है तैनात रहने के लिए और जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो भी तैयार है। तो शत्रुजीत कपूर का यह बयान सामने आया है लोकसभा चुनाव को लेकर के। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उन्होंने जानकारी दी है, कहा है कि स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए हम लोग तैयार हैं, पुलिस भी पूरी तरीके से तैयार है, पुलिसकर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स भी पूरी तरीके से तैनात रहने के लिए तैयार है। तो डीजीपी ने यह जानकारी साझा की है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो 25 मई को हरियाणा में वोटिंग होगी उसके मद्देनजर ये जानकारी साझा करते हुए डीजीपी शत्रुजीत कपूर। और हरियाणा के कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने प्रधानमंत्री मोदी को अपशब्द कहे हैं, जिस पर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले भी हरियाणा का नाम बहुत बदनाम किया है और भाषा का संयम तो रखना चाहिए। वहीं राहुल गांधी का बयान भी सामने आया कि मुफ्त का जो अनाज दिया जा रहा है वो कांग्रेस की देन है, जिस पर अनिल विज ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि जो सूरज और तारे हैं उनको भी राहुल गांधी कांग्रेस की देन कह सकते हैं। देखिए, अब जो आकाश में चंद्रमा सूरज और तारे हैं राहुल गांधी जी ये भी कह सकते हैं ये कांग्रेस की देन है, कह सकते हैं, पर पहले क्यों नहीं बांटा गया? नरेंद्र मोदी को ही ख्याल क्यों आया? नरेंद्र मोदी ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया है, उनका पेट भरा है। तुमने भरा कभी? तुमने किया कभी ये काम? सिर्फ हर चीज पे अपने नाम की प्लेट लगाने की कोशिश कर। और वहीं चंडीगढ़ से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापसी का मामला सामने आया है। विधायकों ने फिर राज्यपाल को भेजा समर्थन वापसी का पत्र। चरखी दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने पुष्टि की है, तीनों विधायकों ने ईमेल से भेजा था समर्थन वापसी पत्र। रणधीर गोलन ने भी भेजा है समर्थन वापसी का पत्र। वहीं राजभवन ने समर्थन वापसी पत्र को कर दिया था खारिज। तो एक और बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां पर 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापसी का ये मामला है। विधायकों ने फिर से राज्यपाल को समर्थन वापसी का यह पत्र भेजा है। चरखी दादरी से निर्दलीय विधायक जो है उन्होंने भी समर्थन वापसी का पत्र भेजा है। तो इससे पहले जो ईमेल से भेजा गया था, पर्सनल ईमेल से नहीं भेजे जाने के कारण से ये खारिज कर दिया गया था, यानी समर्थन पत्र को खारिज कर दिया गया था। समर्थन वापसी का जो पत्र दिया था ईमेल के जरिए भेजा गया था और इसके खारिज होने के बाद से एक बार फिर से खबर सामने आ रही है कि तीनों विधायकों ने एक बार फिर से समर्थन वापसी का जो है राज्यपाल को ये पत्र भेजा है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। और कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद से कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा का बयान सामने आया है। कैबिनेट की बैठक में पुलिस से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई है। रेवाड़ी में एम्स कॉलेज बनता है उसके जमीन के बारे में चर्चा हुई है। प्रदेश की आबकारी नीति पर चर्चा हुई, साथ ही गर्मी के मौसम में पीने के पानी की कोई किल्लत नहीं हो इसको लेकर भी चर्चा की गई है। मूलचंद शर्मा ने कहा कि किसानों की उनकी पेमेंट जल्द से जल्द उनको मिले, गेहूं का उठान तेजी से हो और इस पर भी इस बैठक में मंथन किया गया, यानी इस कैबिनेट बैठक में मंथन किया गया है ताकि किसानों की पेमेंट जल्द से जल्द उनको मिल सके। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष सरकार को अल्पमत की सरकार बताकर घेर रहा है। विपक्ष के पास कहने को कोई बात है नहीं, हमारे पास तो पूर्ण बहुमत है। वो सबको जानकारी है, जो भी विषय थे अपने, एक तो पुलिस से संबंधित भर्ती का था, पुलिस संबंधित, दूसरा क्या है कि रेवाड़ी में जो एम्स कॉलेज बनना उसकी जमीन के बारे में था, जो इसमें जमीन थी उसका, और तीसरा एक्साइज पॉलिसी पे जो भी है उस पर कैबिनेट आई थी और इस पर जो भी मुद्दे थे उन पर चर्चा हुई थी। बिजली है, पानी है और आम व्यक्ति को, पशु है, पक्षी है, हर एक को पानी की बहुत बड़ी जरूरत है। उस पानी का भी जो भी डायरेक्शन है, जो भी पानी भी अपने जो जोहड़ों में पानी भर गया, पीने का पानी है, इसका भी विशेष। और कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है आइए सुनते हैं। यहां पे प्रभारी के तौर पे काम किया, उस वक्त पे
हरियाणा के सभी प्रेस और मीडिया के साथियों का जो सहयोग रहा है उसके लिए भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। ये जवानों, किसानों और पहलवानों की भूमि को भी मैं नमन करता हूँ। मेरे साथ आज की प्रेस ब्रीफिंग में मौजूद राणा चहल जी, केवल दिखरा जी, चित्रा जी, केसी भाटिया जी, विजय रैना जी और हमारे कांग्रेस परिवार के साथियों, प्रेस और मीडिया के दोस्त, आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। लोकतंत्र में जनता जनार्दन है। लोकतंत्र की मजा यही है कि जनता जिसे चाहती है उसे शासन देती है, सत्ता मिलती है, पर अगर शासक ये भूल जाता है कि 5 साल के बाद उसी जनता की अदालत में जाना है और जनता के आशीर्वाद से मैं बना या मेरी पार्टी बनी है, वो भूल के अगर कोई शासक अहंकार करता है तो यही जनता जनार्दन बड़े सिंहासन से मिट्टी में भी मिला देती है। ये और हरियाणा में बीजेपी सरकार के अल्पमत में होने के मामले में संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अभी तक समर्थन वापस लेने वाले विधायकों का पत्र स्वीकार नहीं हुआ है, वहीं उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति ही मान्य होने की संभावना है। लेकिन अगर सरकार के खिलाफ विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव आता है तो सरकार बहुमत साबित कर देगी। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष को भी हालातों का पता है, उन्हें पता है कि उन्होंने एक बार ही अविश्वास प्रस्ताव की बात की है, उसके बाद वो खुद ही चुप हो गए। अभी जो उनका जो उन्होंने ये पत्र लिखा उसको अभी तक स्वीकार नहीं किया, शायद उसमें ये होगा कि वो पर्सनल जाके वहां सामने उपस्थित होंगे तब वो कहेंगे, तब उसको माना जाएगा, तो अभी तक स्वीकार वो नहीं हुआ। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर वो अपना समर्थन वापस लेते हैं तो सरकार को कोई खतरा नहीं है, सरकार के पास इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। देखिए सारा आधार तो पहले बताया नहीं जाता ना जी, लेकिन हम ये आपके सामने ये बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि अगर फ्लोर टेस्ट की बात आएगी तो निश्चित तौर से सरकार उसमें अपना समर्थन, मैं भी उसी बात पे कह रहा कि वो जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा, अगर राज्यपाल की जी की तरफ से इस प्रकार का कोई आदेश आता है तो निश्चित तौर से बहुमत सिद्ध करते हैं। अच्छा मंत्री जी, जो राज्यपाल को और हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर 25 मई को वोट डाले जाएंगे। वोटिंग का समय नजदीक आते ही अब सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार में तेजी कर दी है और इसी कड़ी में बीजेपी के कोसली विधानसभा के बेरली कला में विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया और इस रैली में मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचे। रोहतक से बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा के पक्ष में चुनावी रैली में वो पहुंचे। यहां पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। आमतौर पर शिक्षा के मामले में कई बार मजाक बनता है, लेकिन कंस को मारने के बाद दुनिया का एकमात्र इतिहास बनाया भगवान कृष्ण का, जिनने कंस को मारने के बाद कुर्सी पे लात मार करके उज्जैन शिक्षा ग्रहण करने आए, तो शिक्षा का क्या महत्व है ये भी भगवान कृष्ण ने सबके सामने बताया कि अपने बीच में शिक्षा भी कैसी ग्रहण करी। रामविलास शर्मा जी यहाँ प्रोफेसर साहब पुराने मौजूद है कि 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, चारों वेद, जो शिक्षा ग्रहण करी ऐसा शिक्षार्थी तो कोई मिलेगा ही नहीं। और शिक्षा भी क्या ग्रहण करी, पूरे जीवन काल में शिक्षा को सदैव सिर पे रखते हुए आप इसी हरियाणा की धरती पर जब महाभारत का महायुद्ध हुआ उस युद्ध के धमक से। और 25 मई को गुरुग्राम लोकसभा के 25 लाख से ज्यादा मतदाता मतदान कर तमाम प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद करेंगे, जिसके लिए अब प्रत्याशियों ने अपना चुनाव प्रचार भी तेज कर दिया है। और इसी कड़ी में गुरुग्राम लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह ने दर्जनों गांव का दौरा कर लोगों से वोट की अपील की है। राव इंद्रजीत सिंह ने इस दौरान फर्स्ट टाइम वोटर से वोट करने की अपील की है।
ऐसे में केंद्र सरकार ने विकास के तमाम कार्य कराए गए, लेकिन विपक्ष राज्य सरकार के कुछ कामों को लेकर लोगों को बरगलाने का काम कर रहा है। दान सिंह को अगर वोट देंगे तो आने वाले समय के अंदर अगर हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो हमारे काम वो करवा लेगा। तो काम के पीछे लोग बहक ना जाएं, उस तौर के ऊपर मैंने लोगों को समझाने की कोशिश करी। वो तो जब बनेंगे, जब हम इस एरिया वाले लोग सपोर्ट करेंगे, ये मैंने कहा था, तो लोगों के समझ में आई है। और इंद्री के बड़ा गांव में राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा और इंद्री के विधायक राजकुमार कश्यप का गांव में पहुंचने पर ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। वहीं इस कार्यक्रम में काफी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा और इंद्री के विधायक राजकुमार कश्यप ने करनाल लोकसभा से प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पक्ष में जनता से वोटों की अपील की। साथ ही अपील की कि आने वाले 25 मई को कमल के फूल का बटन दबाएं। उन्होंने कहा कि मनोहर लाल को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाकर लोकसभा में भेजने का काम करेंगे। बहुत अच्छा लगा बड़ा गांव में आकर, लोगों ने बहुत प्यार दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि बड़ा गांव में बहुत प्रचंड बहुमत से इस बार लीड मिलेगी और पूरे करनाल संसदीय क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छे मार्जिन से सारे रिकॉर्ड टूटते हुए मनोहर लाल जी जीतेंगे। देखिए, कांग्रेस का विवाद किसी छुपा नहीं है, ये बात तो आप सबको भी पता सार्वजनिक तौर पे कि आंतरिक लड़ाई कांग्रेस में चरम सीमा के ऊपर है और ये उनका आंतरिक मामला है। लेकिन जब आप चुनाव लड़ते हैं और लोगों के बीच में जाते हैं तो आपको कम से कम जनता को तो कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, उनको तो पता होना चाहिए कि वो किस तरह बैठ रहे हैं। हमारे मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ गाँव में पहुंचे हैं, बड़े गाँव में देखिएगा उनके, देखो लोगों ने कितने प्यार से कितना उनका भव्य स्वागत किया है, इसके लिए मैं गांववासियों को धन्यवाद करता हूं। और हमारे सांसद जी जो है लोगों से वोट देने की अपील भी करी है, मनोहर जी को तो अभी ने आश्वास भी दिलाया, तो मैं कह सकता हूं बड़े गांव से जो है भारी बहुमत से जो है हमारे जो कैंडिडेट है मनोहर जी जीत कर जाए। और फरीदाबाद से कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और इसी बीच वो फरीदाबाद के बुढ़ेना गांव पहुंचे, जहां गांव के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। हरियाणा प्रदेश कमेटी व्यापार मंडल के अध्यक्ष लखन सिंगला ने जनसभा आयोजित की और इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोग जनसभा में पहुंचे। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए हरियाणा कांग्रेस कमेटी व्यापार मंडल के अध्यक्ष लखन सिंगला ने कहा कि लगातार कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप को गांव हो या फिर शहर, लोगों का समर्थन मिलने जा रहा है। दिया सेक्टर 3 में जाट भवन दिया, सेक्टर 3 में दलित भवन दिया, सेक्टर 8 में महाराणा प्रताप भवन दिया। देखो एक बात है मेरी, इतना ही कहना चाहूंगा, यदि फरीदाबाद के अंदर राम राज लाना है तो महेंद्र प्रताप जी को लाना पड़ेगा। भ्रष्टाचार और करप्शन मिटाना है तो चौधरी महेंद्र प्रताप जी को लाना पड़ेगा। और आपको बता देता हूं 2024 के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, 70 से 75 कांग्रेस की सीट आएंगी। और बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई ने गांव लीलस का दौरा किया और दावा किया कि बीजेपी 400 पार का नारा सिद्ध करके दिखाएगी। वहीं कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस पर भी जमकर इस दौरान निशाना साधा और कांग्रेस को चला हुआ कारतूस की संज्ञा देते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा देश को तोड़ने की बात की है, जबकि बीजेपी के लोग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की तरक्की की बात करते हैं। देखिए, बहुत बढ़िया प्यार उत्साह लोगों का देखने को मिला गांव के बाहर से, ट्रैक्टर मोटरसाइकिल फूलों की बारी, जैसे हमेशा प्यार देते हैं पिताजी को वैसे ही मुझे भी देते आए, वो दे रहे हैं आज। और इन लोगों का जोश देख के मैं दावे से कह सकता हूँ बहुत बढ़िया मार्जिन से भाई धर्मवीर जी यहाँ से जीत के निकलेंगे।
रूहानी आपका भी कर्म भूमि रहा है, तो इस बार के चुनाव किस प्रकार से देखते हैं आप और कितनी मार्जिन समझते हैं आप? देखिए बहुत बढ़िया मार्जिन है, भिवानी मेरे परिवार कर्म भूमि है, परमात्मा इसमें मुझे पक्की वाली ताकत देंगे तो भिवानी के मेरे साथियों का एहसान भी उतारूंगा। लेकिन सभी मेरे भिवानी के साथियों को, भिवानी महेंद्रगढ़ के जो हमारे साथी हैं, उन सबसे मेरी प्रार्थना है कि भाई अगर आपके मन में थोड़ा सा भी स्नेह मेरे लिए है तो भाई धर्मवीर जी को भारी मतों से आप। और फरीदाबाद के निर्वाचन अधिकारी और डीसी विक्रम सिंह यादव ने मतदाताओं से अपील की है कि वो जब भी वोट डालने के लिए जाएं तो अपना मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक सामान साथ लेकर न जाएं। हालांकि बूथों पर ऐसे सामान को रखवाने के लिए भी व्यवस्था की गई है। यदि बूथ पर किसी भी मशीन में कोई दिक्कत आती है तो रिजर्व में रखी गई मशीनों को तुरंत बदल दिया जाएगा। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि इसके अलावा दिव्यांगजनों के लिए भी व्हीलचेयर का इंतजाम किया गया है ताकि कोई भी परेशानी उनको वोट डालने में न आए। तो बिल्कुल ही जो चुनाव आयोग ने अब की बार कई पोर्टल और कई एप्स लॉन्च करी हैं, तो वोटर हेल्पलाइन नंबर भी दिया है, चाहे आप 1950 का भी फोन कर सकते हैं या फिर वोटर हेल्पलाइन ऐप है या पोर्टल भी है, तो वहां पे जाके आप अपना वोटर आईडी कार्ड का जो आपका नंबर है तो वो डाल के अपनी वोट की लोकेशन भी आप चेक कर सकते हैं। तो जैसे जो हमारे बूथ हैं 1572 हमारे बूथ बने हैं, तो इसके लिए हमने 1572 प्लस 16% का भी रिजर्व रखा है, तो 116% के हिसाब से हमने पार्टी बनाई। और भिवानी के आदर्श महिला महाविद्यालय में जिला के बवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के पीठासीन अधिकारी, वैकल्पिक पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी और अन्य कर्मचारियों को चुनाव प्रक्रिया से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही चुनाव प्रशिक्षण कार्यक्रम में मशीनों को स्थापित करने और उन्हें चलाने की पूरी जानकारी उपलब्ध करवाई गई। साथ ही आपको यह भी बता दें कि ईवीएम, वीवीपैट और पोल आरंभ होने से समाप्ति तक पूरी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया गया। इस मौके पर चुनाव प्रशिक्षण नोडल अधिकारी रमन शांडेले ने बताया कि पीठासीन अधिकारी को मतदान केंद्र की स्थापना, ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों के साथ तालमेल और मशीन के सही संचालन, मतदाताओं के लिए सुविधाएं आदि का संचालन करना होता है, इसलिए अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना बहुत जरूरी है। आज यहां आदर्श महिला महाविद्यालय में 59 बवानीखेड़ा के लिए माननीय एआरओ साहब के गाइडेंस में हमने यहां पर आज चुनाव का प्रशिक्षण, दो पायलट रिहर्सल के बाद जिसको कहते हैं, दो पहला सेशन दिया है, जिसमें हमने लगभग 280 लोगों को आज अभी ट्रेंड किया है। और इस तरीके के हमारे चार सेशन यहां पे पोलिंग पार्टी के होने हैं और जो कुल बूथों की संख्या है वो 229 है जिसके। तो हर खबर हरियाणा देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।